हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैलानी बहराइच रूट पर ट्रेन के बढ़ोतरी के बारे में। क्या इस रूट पर एक और ट्रेन की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में मैलानी से बहराइच के बीच में एक जोड़ी ट्रेन का संचालन हो रहा है। मैलानी से सुबह 8:30 बजे ट्रेन चलती है और बहराइच शाम को 4:30 बजे ट्रेन पहुंचती है। ठीक उसी समय पर बहराइच से भी सुबह 8:30 बजे ट्रेन चलती है और शाम को 4:30 बजे मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन पहुंचती है। ऐसा हम इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इस एक जोड़ी ट्रेन के संचालन से इस रूट पर रहने वाले लोगों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन एक और ट्रेन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नानपारा से इस वीडियो को राहुल भाई ने बनाकर भेजा है। राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और पलिया से जो हम वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, उसे सैफ भाई ने बनाकर भेजा है। सैफ भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो बात चल रही थी मैलानी बहराइच रूट पर एक और ट्रेन की आवश्यकता के बारे में, क्योंकि जो एक ट्रेन संचालित हो रही है, एक जोड़ी ट्रेन, उसमें काफ़ी भीड़ हो रही है, यहाँ तक पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसा सैफ भाई का कहना है, जब उन्होंने एक वीडियो शूट करके हमें भेजा, जिसका व्यू अभी हम आप लोगों को इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे, तब आप लोग खुद भी देखेंगे कि स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि उन्होंने ट्रेन के अंदर का सीन शूट नहीं किया, जिससे हम आप लोगों को अंदर का नज़ारा भी दिखाते। और हकीकत में चूंकि एक के ट्रेन के संचालन से उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो मेरा मानना यह है कि दोपहर में लगभग 12-1 बजे के करीब में एक और ट्रेन दोनों दिशाओं से अगर हो जाए, तो इस रूट पर रहने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, एक सुबह एक दोपहर में। तो इस तरह से लोगों को यात्रा करने में आसानी भी होगी और जो अभी तक घाटे में ट्रेन चल रही थी, अब उस ट्रेन में भी फायदा होने लगेगा, क्योंकि इस रूट पर एक ही ट्रेन होने से लोगों को दूसरा विकल्प नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा विकल्प जो है वो डग्गामार वाहन है, जिसका किराया बहुत ज़्यादा है, और ट्रेन का जो किराया है वो थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो दोनों तरफ से ट्रेन चलती हैं 053-61-62, तो इन दोनों ही ट्रेनों में एक्सप्रेस वाला किराया लागू है, फिर भी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस हिसाब से मेरा मानना यह है कि एक जोड़ी ट्रेन का और भी संचालन इस रूट पर किया जाना चाहिए। एक बात और भी बताना चाहूँगा, वो ये कि पहले इस ट्रेन का नंबर जो था वो दूसरा था, जो मैलानी बहराइच रूट पर चल रही थी। अब इस ट्रेन का नंबर बदलकर 053-61-62 कर दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पलिया रेलवे स्टेशन का सीन है और यहाँ की भीड़ से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पुराने दिनों की याद आ गई, जैसा कि सैफ भाई का कहना है, तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और सामने ट्रेन भी आ रही है सुबह के समय, जो 9:30-10:15 बजे के करीब में पलिया रेलवे स्टेशन से बहराइच के लिए रवाना होती है। तो एकमात्र ट्रेन होने से ही यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है, तो इस वजह से एक ट्रेन और होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग भी कमेंट्स करके जो बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।